हेलो फ्रेंड्स, मेडिसिन जानकारी के चैनल में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाली ऑलबेट 20 mg टेबलेट्स के बारे में। ऑलबेट 20 mg टेबलेट्स का क्या यूज है, कब इसको यूज़ किया जाता है, कितने दिनों के यूज करते हैं, यूज़ करने से क्या बेनिफिट हो सकता है, इसके क्या साइड इफेक्ट्स है, इसके अंदर क्या क्या कंपोजिशन डालेगी और किस प्रकार काम करता है, उसका डोज डोजेंस कितना होना चाहिए। तो ऑलबेट 20 mg टेबलेट्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रही। चैनल पर वीडियो पर पहली बार विजिट किया भी नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुँच चाहिए। वीडियो स्टार्ट करते एक छोटी सी इंट्रो के बाद, इस वीडियो में दी हुई जानकारी केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह लें। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवाई का उपयोग करते हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। दिस वीडियो इज ओनली एंड ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। सब्सक्राइब करें मेडिसिन जानकारी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। शुरू करते हैं ऑलबेट 20 mg टेबलेट, जो कि हमारे पास 10 वॉल का स्ट्रिप्स है, जिसकी MRP की बात करें उसकी MRP टाइम के साथ चेंज होती रहती है। आज जो हमारे पास स्ट्रिप्स है उसकी MRP 120। ऑलबेट 20 mg टेबलेट को जोइंटस हेल्थ केयर लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। ऑलबेट 20 mg टेबलेट के अंदर कंपोजिशन की बात करें तो उसके अंदर कंपोजिशन से वॉलमिसार्टन्स मेडोक्सिमिल्स 20 mg इसके अंदर डाले गए हैं। ऑलबेट 20 mg टेबलेट का यूज़ के बारे में बात करें, इसका इस्तेमाल हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट फेल एंड हार्ट अटैक से बचाव एंड स्ट्रोक के इलाज के लिए टेबलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि टेबलेट्स ट्रीटमेंट करती है हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट फेल, हार्ट अटैक और स्ट्रोक से बचाव के लिए टेबलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। ऑलबेट 20 mg टेबलेट्स हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली एक मेडिसिन से ही यह ब्लड प्रेशर को कम करने से फ्यूचर में होने वाले दिल के दौरे और स्ट्रोक को रोकने में मदद मिलती है। ऑलबेट 20 mg टेबलेट्स का डोज और डोसेंस की बात करें, इसका डोज और डोसेंस पेशेंट्स की एज, वेट और कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि पेशेंट्स की एज कितनी है, वेट कितना है, कंडीशंस कैसी है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इसका डोज और डोसेंस कितना होना चाहिए। उसका डोज और डोसेंस अपने डॉक्टर की देखरेख में इस्तेमाल करें। ऑलबेट 20 mg टेबलेट्स के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट में हो सकते हैं डायरिया, दस्त होना, चक्कर आना, फ्लू जैसे लक्षण होना, हेडेक होना, अवस होना, मछली आना, पेट में दर्द होना, तो ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो ऑलबेट 20 mg टेबलेट्स का इस्तेमाल अपने डॉक्टर की देखरेख में इस्तेमाल करें। ऑलबेट 20 mg टेबलेट्स किस प्रकार काम करता है, यानी कि हाउ टू वर्क्स ऑलबेट टेबलेट्स। ऑलबेट 20 mg टेबलेट्स के अंदर जो मेडिसिन रहती है, यानी कि ऑलबिसार्टन मेडोक्सिमिल्स 20 mg टेबलेट्स, वो एक एंजियोटेंसिन, एक प्रोटीन रिसेप्टर ब्लॉकर यानी कि ERB होता है। ये ब्लड वेसल्स को उस केमिकल के एक्शंस को ब्लॉक करके आराम देता है जो आमतौर पर ब्लड वेसल्स को टाइट बनाता है और ब्लड को सुचारू रूप से फ्लो करने में, हार्ट को अच्छी तरह से पंप करने में मदद करता है। ऑलबेट 20 mg टेबलेट्स को यूज़ करने के पहले अपने जनरल फिजिशियन से फैमिली डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करी, बाद में टेबलेट्स का इस्तेमाल करी। अपने मन से ऑलबेट 20 mg टेबलेट्स का इस्तेमाल कभी भी नहीं करी तो ऑलबेट 20 mg टेबलेट्स के बारे में कुछ भी डाउट तुम्हें कमेंट सेक्शन बताएं। ऑलबेट 20 mg टेबलेट्स का वीडियो आपको थोड़ा सा यूजफुल हेल्प लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोज। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस और नॉलेज के लिए था। कोई भी टेबलेट्स का इस्तेमाल करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से जरूर सलाह दें।